आजाद भारत का पहला घोटाला कौन सा है? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में उसके बारे में। आज़ादी के बाद देश में कई घोटाले हुए। इन घोटालों में सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगी। आज़ाद भारत का पहला घोटाला जीप घोटाला था। जी हाँ, जीप घोटाला। यह घोटाला आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद ही सरकार ने लंदन की कंपनी से 2000 जीपों की डील की थी। 80 लाख रुपए में यह डील हुई थी। उस समय के 80 लाख कंपनी से केवल 155 जीपें ही मिल पाई थी। तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन का नाम उछाला था। 1955 में इस केस को क्लोज कर दिया गया। तो ये था सबसे बड़ा स्कैम। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से गूगल कीजिए, इसे पढ़िए, ये सब हमें जानना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।